संयुक्त मोर्चा का आह्वान होगा, उसके ऊपर हम करेंगे और मरेंगे। और न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में धरना दिया गया। डॉक्टरों की कमी, मशीनों की कमी इत्यादि चीज़ों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। और इस मौके पर हमारे कांग्रेस के युवा नेता साइकिल धनवा गया, अलग अलग है सारा सौदा, अलग अलग है और आत्मा डॉक्टर सिक्किम भी, कविता बडनपुर, कई ऐसे चेहरे जो किसान आंदोलन में चमके हैं। प्रधान जी, आज के प्रदर्शन के बारे में बताएं, आज किस प्रकार का प्रदर्शन सर क्यों किया गया? मेरा नाम बलबीर सिंह है, अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान हूँ मैं, और यहाँ नरवाना में जो 400 दिन से धरना चल रहा है उसका संयोजक भी हूँ। आज का जो प्रदर्शन हुआ है ये ना तो हमारी फसल नस्ल को लेकर हुआ है, ना मुआवजे की मांग को लेकर हुआ है, बल्कि सरकारी अस्पताल में 47 डॉक्टरों के पद हैं जिसमें केवल 7 कार्यरत हैं, 40 पद खाली हैं डॉक्टरों के। और जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं होगा तो बाकी चीज़ों का होना ना होना नहीं के बराबर ही है। तो हम ये चाहते हैं कि सभी 47 डॉक्टर हमारे अस्पताल में आए, सभी तरह के टेस्ट मशीन आए, सभी तरह के एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की सुविधा हो, और बढ़िया इलाज सबका यहाँ पर होना चाहिए। लोगों ने हिसार, रोहतक, पटियाला या कहीं दूर दराज ना जाना पड़े, सारा इलाज नरवाना के लोगों का नरवाना के अस्पताल में होना चाहिए। 100 बेड का बिस्तर है, 2 बेड भी नहीं है इस अस्पताल में, आप जाकर कभी निरीक्षण करना।
जब डॉक्टर नहीं है तो बेड का भी क्या अर्थ रह गया। तो हम ये मांग के लिए आज प्रदर्शन किया है और हमें उम्मीद है जो अपना स्वास्थ्य मंत्री है उसके नाम ज्ञापन दिया है SDM साहब के माध्यम से, नायब तहसीलदार साहब ने हमारा ज्ञापन लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि 5 मिनट में ही हेल्थ मिनिस्टर के पास आपका ज्ञापन हमारे रिकमेंडेशन के साथ चला जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने उन साथियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने कोई कदम तो उठाए हमारी बेटियों के हक में। जहाँ तक ये सवाल है, हम संयुक्त किसान मोर्चे के सिपाही हैं और संयुक्त मोर्चे की काल नहीं है। वो हमारे एक यूनियन के साथी जो संयुक्त मोर्चा से बाहर हैं वो आयोजन कर रहे हैं और उस आयोजन में हम बिना बुलाए नहीं जा सकते। उनने हमारे को संदेशा भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम ये महसूस करते हैं कि वो लोग सड़क पर आए, कुछ कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। तो क्या वहां पर आप जाओगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे को कोई संदेशा नहीं दिया गया है। संदेशा मिलता तो विचार करते, अभी भी किया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसी बात है नहीं। बाकी ये है कि हम उनसे कोई दूर नहीं है, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, बहुत अच्छा काम पे लग रहे हैं, लगे रहना चाहिए। उसमें हम गए हुए थे सब साथी, हमारी बहन सिक्किम भी थी और भी हमारे बहुत सारे साथी थे, और निर्णय ये हुआ है कि कल 23 को हमने मशाल जुलूस निकाले हैं, ना केवल जंतर मंतर और इंडिया गेट पे, बल्कि बहुत सारे सैकड़ों सैकड़ों गाँव में हरियाणा में ऐसे मशाल जुलूस निकाले गए, खासकर किसान सभा के द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा और जनता के अन्य जनवादी संगठनों के द्वारा ऐसे एक्शन लिए गए हैं, वो चलते रहेंगे। और हम 28 तारीख को फिर से जो महिला संसद लगनी है नई संसद भवन के सामने, वहाँ उस संसद में बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से भी हमारी बहनें बेटियाँ जाएंगी और उस एक्शन को कामयाब करेंगे। हम 10 जून के बाद हमारे खिलाड़ियों को और विशेषकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक को नरवाना में बुला रहे हैं और एक बड़ा आयोजन करके, चाहे वो लखीमपुर खीरी के अपराधियों का सजा दिलवाने का सवाल है, चाहे हमारे MSP का सवाल है, और चाहे हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय है उस न्याय को लेने की बात है, और जो कांड पुलवामा में हुआ था, हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी शहादत का बदला लेने के लिए, और जो कुछ मतलब बातें हमारे विशेषकर सत्यपाल मलिक ने रखी हैं उनका खुलासा पूरी जनता को हो, हम बड़ी संख्या में बैठे हो धरना देने के लिए, यहां जी, पर भी बैठे हुए हैं जी। वैसे में पहलवान वहां पर पहुंचेंगे जी, लेकिन कहीं ना कहीं इस फूट से कहीं ना कहीं कमजोर जो पहलवान है उनका जो धरना वो कमजोर तो नहीं होगा? वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी? लड़ाई वहां लड़ी जाती है जहां मैदान हो, लड़ाई का मैदान जंतर मंतर है, हम वहां लड़ाई में अपने जो पूरी शिरकत है वो कर रहे हैं, जितना हम पे बन पड़ रहा है हम जंतर मंतर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान होगा, हम संयुक्त मोर्चे के एक सैनिक हैं, जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान होगा उसके ऊपर हम करेंगे और मरेंगे, और एक पार्टी विशेष के प्रोग्राम में हम बिना बुलाए नहीं जा सकते, ये हमारी मजबूरी लगाए या हमारा आत्म सम्मान लगाए या हम हमारे समाज को गलत दिशा नहीं दे सकते। क्या वहां पर खटखट टोल प्लाजा के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है? नहीं, खटखट टोल प्लाजा के द्वारा भी वहां प्रोग्राम नहीं किया जा रहा, वहां सिर्फ एक व्यक्ति विशेष और एक यूनियन, वो एक राजनीतिक यूनियन है, उसके द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा। वहां कोई, आपने सतवीर पहलवान का भी बयान सुना होगा, खुद आपने सतवीर पहलवान का भी बयान लिया है, वहां चंद लोग हैं, उनका आपने पहले भी पता है, आगे आने वाले टाइम में भी पता चल जाएगा, इस खुलासे का पता चल जाएगा। कई लोगों को क्या होता है कि जब हमारे कोई मुद्दे होते हैं तो उन पर राजनीति करने की आदत होती है, वो अपना निजी स्वार्थ देखते हैं, जबकि वो ये नहीं देखते कि समाज को हम किस दिशा में और कौन सी दिशा दे रहे हैं, उसको गलत दिशा देने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा युद्ध का मैदान है वो जंतर मंतर है, वहां ताकत डालिए, पूरे देशवासियों से निवेदन है कि आप जंतर मंतर पर पूरा उन बहन बेटियों का साथ दीजिए, हम भी देंगे, जो महिला महापंचायत होगी नई संसद में उसमें हम भी अगवानी करेंगे और तन मन धन से उसके अंदर ताकत झोंकेंगे, जैसे 13 महीने हमने नस्लों की जो हमने फसलों की जो लड़ाई लड़ी थी, ऐसे ही हम नस्लों की लड़ाई भी लड़ेंगे। आपने जो बात कही है कि जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां पर
पहले भी तो किसान आंदोलन दिल्ली हुआ था जी, और धरने जो हर जगह पर हुए थे जी, तो उस समय ये बात क्यों नहीं रखेगी, आज क्यों रखी जा रही है? वो आदेश संयुक्त मोर्चा का था, ना कि किसी एक पार्टी विशेष का, एक पार्टी विशेष का, एक खास यूनियन का या एक खास बंदे का। वहाँ पर तो जो राज्यपाल है मलिक साहब वो भी पहुँच रहे हैं और जो फोगाट है वो भी पहुँच रहे हैं। नहीं, पहुँचने के लिए तो नरवाना में भी 10 तारीख के बाद पहुँचेंगे, हो सकता है 10 के बाद हम उचाणा में भी बुला ले, वो एक अलग चीज है। पर हम ये चाहते हैं कि हमारी ताकत को डिवाइड ना किया जाए, जो ताकत है, जो समर्थन है, उसको हम एक ही जगह डिवाइड करके, क्योंकि ये लड़ाई मोदी की है और हम मोदी की छाती के ऊपर ही इस लड़ाई को लड़के फतेह करके और दोबारा से दिल्ली के बॉर्डरों को फतेह करके वापिस प्रदर्शन के बारे में करेंगे। इंसान का सबसे बड़ा धन होता है स्वास्थ्य, सबक स्वास्थ्य। तो ऐसे में अगर नरवाना की बात करें, जो अस्पताल है वो भी खंडर बना हुआ है और ना ही दवाइयां हैं ना ही मशीन है। तो इसको लेकर आपने जो प्रदर्शन किया, क्या कुछ रखा है विज्ञापन जो दिया गया है? साथियों, इस विषय में तो सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप ही बचे हैं जो हमारी बात जो है जनता तक ले जाते हैं। बाकी तो सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका है। और जहाँ तक आज के कार्यक्रम की बात है, क्योंकि हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष इस बारे में टिप्पणी दे चुके हैं कि ये कोई सामान्य हमारी एक प्रक्रिया की समाज के लिए स्वास्थ्य जो है और शिक्षा एक नंबर पर होनी चाहिए। और स्वास्थ्य का जो हाल है वो आपके सामने है, 200 बेड के हॉस्पिटल में केवल 6 ही डॉक्टर कार्यरत हैं, ये बड़े शर्म की बात है। गब्बर सिंह तो वैसे दहाड़ मारता है, यहाँ आके सदर थाने में 5-5 साथियों को सस्पेंड करता है, लेकिन उसके हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो पूरे हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जग जाहिर है कि वो स्वास्थ्य के बारे में क्या कर रहे हैं। जब वो खुद बीमार होते हैं वो मेदांता में दाखिल होते हैं, सिविल हॉस्पिटल में नहीं। देखा गया कि किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, समाजिक कार्यक्रम हो, आप हमेशा साथ रहेंगे, तो आज क्या कुछ का थोड़ा बताना चाहेंगे, थोड़ा शॉर्ट में बताना? सबसे पहले तो मैं एनजी न्यूज का और सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज का जो ये धरना था ये स्वास्थ्य से संबंधित था, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अरस्तु जी ने भी कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, हेल्थ इज वेल्थ। तो आज नरवाना के हॉस्पिटल में 42 पद हैं, तो आज हमारे नरवाना हलके के लिए दुर्भाग्य है सिर्फ 6 ही डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर छुट्टी पर हैं, और यहाँ जितने भी मरीज आते हैं तो वहाँ मरीज जो है उनको रेफर किया जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो इतने मरीज नहीं देख सकता। अगर स्वास्थ्य मंत्री जी अनिल विज जी है तो हमारी ये प्रार्थना है कि नरवाना के हॉस्पिटल में 42 पद जो है वो रिक्त है वो भरे जाएं, ताकि लोगों को है जो है स्वास्थ्य जो है उनका लाभ जो है उठा सकें। और यहाँ किसान और मजदूर आते हैं, सारे हलके के गरीब लोग आते हैं, ताकि वो इस हॉस्पिटल का फायदा उठा सकें। 100 बेड का हॉस्पिटल है, तो मेरी तो ये अनिल विज जी से, स्वास्थ्य मंत्री से, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये मैं एक प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।